घर पे रहते हैं, किस तरीके का आश्वासन परिवार को दिया गया है, क्या क्या उनकी डिमांड थी? देखिए, उनकी जो जो क्राइम हुआ है उसको लेके इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिस केस को लेके तो कार्रवाई जैसा आईजी साहब ने बताया चली रही है। बेसिकली भविष्य में फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके उनके द्वारा काफ़ी कंसर्न व्यक्त किए गए हैं और वो बात हम लोग नोट करी और शासन को हम अवगत कराएंगे और यथाशीघ्र उसमें निर्णय लेके आपको अवगत कराएंगे उस बारे में। क्या उन लोगों के मेन, उनका एक तो जो बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पे उनका था कि एजुकेशन उसकी फ्री हो जाए, दूसरा उनकी नौकरी की मांग थी और थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी उनकी मांग थी भविष्य के। मैम शहर तो बस रहा है इस, हाँ जैसे इस प्रकरण में भी एक बिंदु वहाँ पे उठाया गया था कि जहाँ पे इंसिडेंट है, जहाँ पे सीन ऑफ क्राइम था, वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कम थी उसमें, और ये और भी बताया गया है तो इसको हम लोग प्राधिकरण से टेकअप करेंगे और बताया जाएगा। और ये एक्चुअली डेवलपिंग एरिया है, निरंतर नए सेक्टर्स नया एरिया ऐड होते जा रहा है उसमें, प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की भी जाती है उसमें, लेकिन फिर भी ऐसे जो इनहैबिटेड एरियाज़ हैं लेकिन जहाँ पर अभी भी लग रहा है कि लाइटिंग की व्यवस्था कम है, हम लोग डेफिनेटली विल टेक इट अप विद द डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नहीं उसका जैसे मैंने बताया इसको हम लोग और सीरियसली टेकअप करेंगे प्राधिकरण के साथ और जो भी कार्रवाई यथाशीघ्र उस पर सुनिश्चित कराएंगे हम लोग।